प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से 3 तलाक खत्म हो गया है, उसके बाद अब बुर्का भी बैन होना चाहिए, क्योंकि बुर्का पहनने से महिलाओं का अब दम घुट रहा है, इसलिए उन्हें अब बुर्का से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं मंत्री का बयान सामने आने के बाद लखनऊ के मौलाना राशिद फिरंगी महली ने कहा कि बुर्का बैन करवाने की मांग सरासर गलत है, क्योंकि बुर्का बैन करवाने की मांग करवाना यानी कि धार्मिक भावनाओं को आहित करना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी के कई नेताओं ने ये मांग की थी कि भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए, क्योंकि बुर्का पहनने से अब महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। दरअसल श्रीलंका में बुर्का बैन होने के बाद अन्य कई देश भी अपने यहाँ भी बुर्का बैन करने का कदम उठाने वाले हैं। अब ऐसे में भारत के अंदर भी बुर्का बैन होना चाहिए। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता इस बात को ज्यादा तूल नहीं दे रहे हैं और उनकी तरफ से भी इस मामले पर कोई बड़ा बयान अभी तक सामने नहीं आया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।